आप देख रहे हैं भारत प्लस देश की बात। नमस्कार, भारत प्लस में आपका स्वागत है। आईपीएल के 13वें सीजन का 38वां मैच किंग्स इलेवन पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स के बीच दुबई में खेला गया, जिसे पंजाब ने निकोलस पूरन के 53, मैक्सवेल 32 और क्रिस गेल 29 की मदद से दिल्ली को हरा दिया। ये पंजाब की लगातार तीसरी जीत है। दिल्ली ने टॉस जीतकर शिखर धवन के शानदार शतक की बदौलत पहले बल्लेबाजी करते हुए 165 रन का टारगेट दिया था। पंजाब को दीपक हुड्डा और नीसम ने जीत दिलाई। इस मैच में क्रिस गेल ने मैच के 5वें ओवर में 2 छक्के और 3 चौके की मदद से 26 रन बनाए, जो इस सीजन के पावर प्ले का सबसे महंगा ओवर रहा, जिसे तुषार देश पांडे ने डाला था। दिल्ली ने 5 विकेट पर 164 रन बनाए थे, जिसमें टीम की शुरुआत अच्छी नहीं थी। 25 रन के स्कोर पर पृथ्वी शॉ और 73 रन के स्कोर पर कप्तान श्रेयस अय्यर पवेलियन लौट गए थे। ओपनर शिखर धवन ने शानदार बैटिंग करते हुए एक छोर को संभाले रखा और 61 बॉल पर सबसे ज्यादा 106 रन की नाबाद पारी खेली। वे लगातार 2 शतक लगाने वाले लीग के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 101 रन की नाबाद पारी शिखर धवन ने खेली थी। धवन एक सीजन में 2 या इससे ज्यादा शतक बनाने वाले 5वें खिलाड़ी बन गए हैं। एक सीजन में सबसे ज्यादा शतक बनाने का रिकॉर्ड रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली के नाम है, जिन्होंने 2016 में 4 शतक लगाए थे। क्रिस गेल ने 2011, हासिम अमला ने 2017 और शेन वॉटसन ने 2018 में एक ही सीजन में 2-2 शतक लगाए थे। दिल्ली अकेली ऐसी टीम है जो अब तक फाइनल नहीं खेल सकी है। हालांकि दिल्ली टूर्नामेंट के शुरुआती 2 सीजन 2008-2009 में सेमीफाइनल तक जरूर पहुंची थी। वहीं पंजाब ने अब तक एक बार फाइनल 2014 में खेला था, उसे केकेआर ने 3 विकेट से हराया था। ऐसी खेल जगत से जुड़ी हुई जानकारी जानने के लिए आज ही आप हमारे चैनल भारत प्लस को सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख रहे हैं भारत प्लस देश की बात।